मोदी राज में इंडियन रेलवे भी फेल हो गई है। देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाली इंडियन रेलवे की हालत बेहद खस्ता है। कमाई घट रही है और घाटा बढ़ता ही जा रहा है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों ने रेलवे को गंभीर आर्थिक संकट में पहुंचा दिया है। रेलवे की कमाई पिछले 10 साल के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गई है। संसद में कैग की ताजा रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे को 100 रुपए कमाने के लिए 98 रुपए 44 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी इंडियन रेलवे को 100 रुपए खर्च करने पर 2 रुपए भी नहीं बच रहे। भारतीय रेलवे ने 2017-18 में 98.44% की ऑपरेटिंग रेशियो दर्ज की है, जो पिछले 10 सालों में सबसे खराब है। ऑपरेटिंग रेशियो वो रकम होती है जो रेलवे प्रत्येक रुपया कमाने के लिए खर्च करता है। ये रेशियो जितना कम होता है, रेलवे की स्थिति उतनी ही अच्छी मानी जाती है। मोदी सरकार भारतीय रेल के अच्छे दिन लाने में नाकामयाब रही है। 2016-17 में भारतीय रेल का कुल खर्च 2,68,759.62 करोड़ रुपए से बढ़कर 2017-18 में 2,79,249.50 करोड़ हो गया है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की तैयारी कर रही है। तेजस नाम की पहली प्राइवेट ट्रेन ट्रैक पर दौड़ लगा रही है। धीरे धीरे बाकी ट्रेनों को भी प्राइवेट कर दिया जाएगा। सवाल तो ये भी है कि कहीं जानबूझकर ही रेलवे को गर्त में तो नहीं पहुंचाया जा रहा, ताकि रेलवे की बदहाली का बहाना बनाकर उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा सके। रेलवे देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला क्षेत्र है। इसमें आरक्षण के तहत बड़ी संख्या में SC/ST और OBC समुदाय के लोगों को नौकरी मिलती है। लेकिन अगर रेलवे प्राइवेट हुई तो वहां आरक्षण लागू नहीं होगा, और इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा मार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों पर ही पड़ेगी। अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा रही मोदी सरकार नहीं संभली तो देश का बड़ा नुकसान होगा। रेलवे का ये हाल तब है जब सरकार ने मनमर्जी से किराए में लगातार बढ़ोतरी की है, साथ ही कई तरह की सब्सिडी भी खत्म कर दी है। आम जनता जान जोखिम में डालकर ट्रेन के फुटबोर्ड पर टंग कर किसी तरह यात्रा करती है, लेकिन खुद को ट्रेन में चाय बेचने वाला बताकर प्रधानमंत्री बने मोदी न्यू इंडिया का जाल बुन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।